हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ये ब्लॉग्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जो ब्लॉग्स बनाने का टाइम ही मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे बार बार कभी कभी दिल्ली उल्ली जाना पड़ जा रहा है दिखाने के लिए अपने हस्बैंड को। तो ये है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहाँ से मुझे अपना ट्रेन पकड़ना है राजधानी, और मैं यहीं से के लिए दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो अभी हम प्लेटफार्म में आ चुके हैं और मैं अभी अंदर इंतजार करने जा रही हूँ। तो ये है राजेंद्र नगर टर्मिनल का कुछ एरिया, और सामने जस्ट प्लेटफार्म नंबर 1 भी लगी हुई है ट्रेन, तो इसे थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो अभी हम मेरा ट्रेन लगा हुआ है, तो मुझे वहीं जाना है दिखाने के लिए, ट्रेन बैठना है और फिर हमको दिल्ली जाना है। तो ये मेरा ट्रेन है और हम और हमारे हस्बैंड ट्रेन में चढ़ चुके हैं। अभी सारे पैसेंजर नहीं आए क्योंकि सारे पैसेंजर पटना जंक्शन से भरते हैं, कुछ राजेंद्र नगर से भरते हैं। तो हमारे कुछ लोग थे तो हम लोग तो यहीं पर चढ़ गए क्योंकि हमारा नज़दीक पड़ता है राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो इस तरह हम लोग अपना सामान वामान एडजस्ट करके अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। और ये देखिए बाहर प्लेटफार्म, राजेंद्र नगर प्लेटफार्म का ये नज़ारा है। लोग किस तरह अपने अपने गाड़ी का या टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी गाड़ी आएगी और हम अपनी गाड़ी में सवार होंगे। तो इस तरह का नज़ारा प्लेटफार्म में देखने में अच्छा लगता है, ट्रेन से बैठ करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है। बाहर से खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो इस तरह मैं बैठ करके यहाँ पर का कुछ प्लेटफार्म से यहाँ पर का नज़ारा ले रही थी। अब हमारी ट्रेन खुल चुकी है और ये पटना जंक्शन में जाके रुकेगी, फिर वहाँ से पैसेंजर भरेंगे। और इसका राजधानी का एक आराम है कि ये दो या तीन जगह इनका स्टॉपेज है। तो यह राजेंद्र पटना जंक्शन से भी खुल चुकी है, पटना जंक्शन आगे, और यहाँ पटना जंक्शन से भी पैसेंजर देखिए बैठ चुके हैं हमारे, हम उन लोगों का नहीं ले रहे हैं किसी पैसेंजर को। और ये हमारा वेटर देखिए पानी है और खाना ला के रात का 8:30 बजे करीब दे दिया राजधानी में। खैर जो भी है खाना, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पर, और देखिए पुलिस भी चेकिंग कर रहे हैं पूरा पैसेंजर का क्या है नहीं है। तो इस तरह ये जितना एसी प्रूफ ट्रेन है तो उसमें उतना ही पैसेंजर या पेशेंट जो रहते हैं उसके लिए बहुत आरामदायक होता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, रश नहीं रहता और इसमें पैसेंजर को बहुत आराम मिल जाता है। तो ये हमारा रात का खाना आ चुका है, तो ये देखिए दाल है, सब्जी है, रोटी है, दही है, और तो यही सब खाना था। तो चलिए हम खाना वाना खा करके और अब हम आराम करेंगे, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आपसे हमको हमारी मुलाकात होगी। तो देखिए मैं और मेरे हस्बैंड अपना अपना खाना हम लोग खोल रहे हैं, तो अब खाना खा लेते हैं। ठीक ठाक था खाना, को खास बेस्ट नहीं होता है, सफ़र का खाना सफ़र ही जैसा रहेगा और अपना घर जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक था कुछ खाना। अब हमारा मॉर्निंग का टाइम आ गया, मॉर्निंग में भी चाय और बिस्किट उस्किट दे दिया है उन्हें, टी टाइम है, पेपर भी दिया। तो चलिए ये सब करने के बाद अब हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है, अब हम दिल्ली उतर चुके हैं और यहाँ से हम एम्स के लिए रवाना हो चुके हैं। एम्स हम जा रहे हैं, तो ये सारे अक्षरधाम मंदिर सामने नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लिया लेकिन कुछ निकल चुके थे। तो अभी हम एम्स चले, हम अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मॉर्निंग उतरने बाद तुरंत हम फ्रेश हो होटल से और तुरंत हम एम्स के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम रुकेंगे। तो देखिए एम्स आ गए क्योंकि हमें तंत्रिका विभाग में दिखाना था। तो इस टाइम का मॉर्निंग में डेट था मेरा तो 9 बजे का, तो हम उसी टाइम हमको जितना जल्दी से 9 बजते हम लोग वहाँ एम्स के कंपेंस में इन कर चुके हैं। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर, एंट्री मार रहे हैं। तो अंदर अभी जैसे जाएंगे तो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है कि हर जगह लाइन लगाना पड़ता है, या देख रहे हैं लंबी लंबी लाइन, चाहे पेशेंट खुद हो चाहे पब्लिक हो, बिना लाइन का कोई काम नहीं होता। इतना लंबा लाइन, पहले बाहर लगाइए लाइन। तो हम लोग पहले गए तो हम बोले कि दे दिया गया था हम लोग को ओपीडी वाला में, यानी सिजरियन वाला में, तो हम लोग को नया ईमेल लाइन लगाना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये लंबा लाइन लगा हुआ है 9 बजे से, जबकि वो ओपीटी खुलेगा 12:30 बजे। तो इस तरह लंबा प्रक्रिया, पहले धूप में खड़े हुए, फिर ये लाइन चली जाएगी अंदर, फिर अंदर यानी 11 बजे से अंदर लाइन लगाता है, तो अंदर 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप अंदर लाइन में खड़े रहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग अंदर अब लाइन आ चुका है, 11:30 बजे के करीब अंदर लाइन आ गया। तो अभी हम लोग प्रक्रिया के लिए खड़े हैं कि कब हमारी पारी आएगी और हमें कब इस तरह का परेशानियों से हमें भी निजात मिलेगा, क्योंकि लाइन में खड़े खड़े भूखे प्यासे एक तो मॉर्निंग उतर के आए, तो सारे लोग देखिए किस तरह से लाइन लगा हुए हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो अपना अपना प्रॉब्लम रख रहे थे, बोले चलो लगाइए, और लोग देखे कि अरे हम वीडियो बना रहे हैं
तो यूट्यूब पर तो बोलिए कि कितने बजे चैनल लगा हुए हैं और कितने बजे चैनल हुआ है? अगर ये पहले हो जाता तो ये पहले हो जाता और क्या आराम मिलता आपको? बहुत आराम मिलते, खड़े खड़े पैर दुख रहा है, भूख भी लगी हुई है, भूख लग रहा था। पेशेंट भी आप लोग हैं? पेशेंट मैं खुद हूँ। पेशेंट खुद आ रहे थे, सप्लाई भी लगाए, तो ये एम्स में अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता तो कितना आराम हो जाता पेशेंट को? बहुत आराम होता, सबको आराम होता होता ना। कब से? मैं का पेशेंट हूँ और 2 साल के बाद हमारा जांच हो गई, MRI जो टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने। हाँ। 2 साल के बाद वो इसका जांच करेंगे। 2 साल के बाद जांच करेंगे? डेट आया है, तो रिपोर्ट है, यहाँ पे मैंने एम्स में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, अगर ये साथ साथ देख ले तो बहुत आराम हो जाएगा। और क्या, 2 साल के बाद इलाज करवाएगा, जांच करवाएगा, तो इलाज करवाएगा। मैंने एम्स आने में लोग इसलिए घबराते भी ज्यादा है। ये देखिए 2012-2020 MRI की जांच तो बाहर से करवा रहे हैं सब, यहाँ यहाँ से नहीं हो रहा है। नहीं, MRI की जांच बाहर हो रही है, 2012-2020 की डेट है। तो इस तरह क्या पब्लिक यहाँ दिखाएंगे? एम्स में दिखा के पब्लिक बचे, तीनों का ही रिपोर्ट है, बाहर से करवाना पड़ा, दोबारा मतलब कुछ और ही अस्थि पहुँच जाएगा, अभी कुछ और है, कुछ और हो जाएगा, और क्या मतलब एक रिपोर्ट आते हैं ये डालेंगे एम्स की। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। एम्स का जो प्रॉब्लम मैंने दिखाया, जो आम पब्लिक ने अपना प्रॉब्लम को रखा, तो ठीक है, ये है पुरानी दिल्ली स्टेशन, तो हमने वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा ये ब्लॉग बनाया। तो ऊपर कोशिश करते कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और हमारी ये प्रॉब्लम को ख़त्म करे।